हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा'स टाइनी वर्ल्ड। होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कोलकाता स्टाइल चिकन दम बिरयानी का रेसिपी। एकदम सीक्रेट रेसिपी है जो कि बहुत ही इजीली बन जाता है बिना कोई झंझट के, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। सबसे पहले चावल को सोक कर लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे इंडिया गेट चावल ली हूँ और 1 kg जितना है ये। इसको अच्छे से वॉश करना है जब तक ना पानी ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो देखिए अब इसको 1 घंटा के लिए सोक होने के लिए छोड़ देंगे। अब एक भगोना ले लेंगे या फिर आप जिसमें बिरयानी बनाएगा वो ले सकते हैं। उसमें ऐड करेंगे 4 से 5 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 बड़ा चम्मच घी। तेल को मैंने अच्छे से हीट कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 7 से 8 बड़ा साइज का प्याज को स्लाइसली कट करके। अब इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। इसको लगभग फ्राई करने में टाइम लग जाएगा 10 से 15 मिनट जितना, और इसको कंटिन्यूअस स्टर करते रहेंगे नहीं तो फिर ये जल जाएगा। तो देखिए प्याज गोल्डन हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन के पीसेस को। तो मैंने चिकन के पीसेस को मीडियम साइज़ का रखा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं किया है, छोटा भी नहीं किया है। और चिकन में कट्स लगा लेंगे, इससे मसाला अंदर तक अच्छे से जाएगा। अब चिकन को प्याज के साथ कुक कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम में। अब इसमें ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ का पोटैटो। मैं यहाँ पे 8 पीसेस डाल रही हूँ, आप चाहे तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे हाई फ्लेम में। इससे क्या होगा कि चिकन और आलू अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब इसमें मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में ऐड करना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच नमक, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 3 चम्मच बिरयानी मसाला। अब चिकन और आलू को अच्छे से कुक कर लेंगे मसालों के साथ 5 से 6 मिनट के लिए। और साथ ही में मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब 4 से 5 मिनट बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 से 4 बड़ा चम्मच दही, और उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अब चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। देखिए चिकन में एकदम अच्छा सा कलर आ गया है, अच्छे से भुन गया है और तेल भी छोड़ दिया है। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप जितना गरम पानी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अब इसको ढक के कुक होने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक चावल कुक कर लेंगे। तो उसके लिए मैं एक भगोना में पानी ले ली हूँ, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में पानी लेना है, और खड़े मसाला ऐड कर दे रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में नमक, तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच जितना ऐड किया था, और 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर दूंगी और फिर इसको ढक के कुक करूंगी जब तक ना पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया तब चावल को ऐड कर दूंगी। ध्यान रखिएगा कि चावल जिसमें भी कुक करिएगा उस वो बर्तन थोड़ा बड़ा हो और पानी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लीजिएगा, तो चावल एकदम खुला खुला सा बनेगा। अब इसको मैं हल्का सा स्टर कर दूंगी और कुक कर लूंगी 7 से 8 मिनट के लिए, या फिर चावल जब तक ना 80% कुक हो जाए। तो देखिए चावल 80% कुक हो गया है। अब इसको मैं स्ट्रेन कर लूंगी। और फिर इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। अब एक बाउल में पानी ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच गुलाब जल, 2 चम्मच केवड़ा वाटर, 3 से 4 ड्रॉप मीठा इधर, और एकदम थोड़ा सा येलो फूड कलर, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इट इज़ डन। सो देखिए चिकन भी ऑलमोस्ट हो गया है, तब इसको स्टर कर लेंगे। और फिर ऐड कर देंगे आलू बुखारा। सो मैं यहाँ पे 5 से 6 ऐड कर रही हूँ, या फिर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और फिर ऐड कर देंगे चावल। फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और चावल को स्प्रेड कर देंगे।
और फिर बाकी जो चावल है उसको भी ऐड कर देंगे। सारा चावल को एक ही बार में ऐड कर देंगे, एक ही लेयर बनाना है। और फिर इसमें कलर वाला पानी ऐड कर देंगे, 2 से 3 चम्मच जितना घी ऐड करेंगे। और फिर इसको ढक के एकदम लो फ्लेम में कुक करेंगे 30 मिनट्स के लिए। आफ्टर 30 मिनट्स इट इज़ डन। और मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी ऐड की थी, वो क्लिप स्किप हो गया है मेरे से, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। अभी इसको सर्व नहीं करना है, 1 घंटा के बाद सर्व करेंगे, तो इससे फ्लेवर और भी इन्हांस होगा। तो ढक के रख देते हैं एंड इट इज़ रेडी टू सर्व। देखिए चावल कितना खुला सा बना है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर से बनाइए और मुझे इंस्टाग्राम में टैग करिएगा, मैं यहाँ पे आईडी मेंशन कर दे रही हूँ। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।